क्लास 7 मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 आज जाएगा। कल जो हमने काम किया था उसमें तकरीबन 4 टॉपिक हमने कवर किए थे और पांचवा टॉपिक हमारा है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। बहुत ही अहम टॉपिक है और ये रिलेटेड है यूनिवर्सल सेट के साथ। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट से मुराद दरअसल यूनिवर्सल सेट और जिस सेट का अपने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो दोनों के दरमियान डिफरेंस को, दोनों के दरमियान फ़र्क को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट को दो तरीकों से जाहिर किया जाता है। जिस सेट का अगर सेट है हमारे पास है एक कॉम्प्लीमेंट, या तो एक के ऊपर छोटा सा हम सी लिख देते हैं और या तो छोटा सा उसके ऊपर हम ए प्राइम लगा के इसको भी कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। दोनों से इसको जाहिर कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट को। लेकिन कॉम्प्लीमेंट के लिए बुनियादी शर्त या बुनियादी जरूरत वो है यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है कि बाकी तमाम सेट उसके सब सेट हो। तो यूनिवर्सल सेट का के तरफ से जब ए को माइनस करते हैं तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आता है, डिफरेंस बिटवीन यूनिवर्सल सेट एंड गिवन सेट, दोनों के दरमियान जो फर्क होता है ए यू माइनस ए, इस फर्क को कहा जाता है ए कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है, यानी कि आपके पास दो चीजों का होना जरूरी है, एक यूनिवर्सल सेट और एक जिस सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो। इन दोनों को जब आप माइनस करते हैं तो एक कॉम्प्लीमेंट से वो एलिमेंट्स होते हैं जो सेट ए में मौजूद नहीं होंगे। सेट ए में जो मौजूद नहीं होंगे वो कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसकी एग्जाम्पल लेते बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक यूनिवर्सल सेट दे दूं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10 और मैं आपको सेट ए दे दूँ इज इक्वल टू 2, 4, 6, 7, 8। इसी तरह सेट बी आपको दिया जाए और कहा जाए 1, 3, 5, 6, 8 और 9। अब आपसे अगर कहा जाए बेटा कि फाइंड कीजिए, मालूम कीजिए ए कॉम्प्लीमेंट और इसी तरह एंड बी कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों हमने मालूम करने हैं। तो ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए आपके पास यू का होना जरूरी है जो कि हमें गिवन है। अगर इसको सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन भी देंगे बेटा तो यू हमें गिवन है, देखने की जरूरत नहीं है। ए भी गिवन है, बी भी गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है तफसील से बच्चे के लिए, फाइंड आउट हमें करना है ए कॉम्प्लीमेंट। तो वी नो दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए। एक बार एक और चीज यहाँ पे नोट कर ले आप लोग जो कि बुक की क्वेश्चन में मौजूद है, बुक में एग्जाम्पल में मौजूद है। अगर आपने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो इसको दो तरीकों से लिखा जा सकता है, यू माइनस ए या यू और ऑब्लिक ए लिखते बेटा। दोनों का मतलब एक ही है, डिफरेंट से दोनों का मतलब डिफरेंट से। अगर ऑब्लिक की साइन आ जाए यू ऑब्लिक ए तो इसका मतलब भी दरअसल डिफरेंट ही होता है, दोनों एक ही मायने देते हैं। तो चाहे माइनस को माइनस का ज्यादा आसान है तो इसे माइनस की साइन यूज करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट हमें फाइंड आउट करना है, ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू अब यू के एलिमेंट्स हमारे पास है बेटा 1 से लेकर 10 तक 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट। यहाँ पे मैं इसको आगे लेके जा रहा हूँ, फिर माइनस ए 2, 4, 6, 7 एंड 8। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इस तरह 6 भी कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ मौजूद है, 7 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा। अब इन 5 एलिमेंट्स के अलावा U में जो एलिमेंट्स बच जाए वो एक कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इज इक्वल टू कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 बचा, 3 बचा, 5, यहां से 6 चला गया, 7 चला गया, 8 चला गया, तो क्या बच गया बेटा 9 एंड 10। ये हमारे पास आया एक कॉम्प्लीमेंट। एक कॉम्प्लीमेंट दरअसल वो एलिमेंट्स होते हैं एक का कॉम्प्लीमेंट जो सेट ए में मौजूद नहीं होते। सेट ए के अलावा यू में से जो एलिमेंट्स बचेंगे वो कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसी तरह जब आप बी मालूम करते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू ऑब्लिक बी, ऑब्लिक से कर रहा हूं बेटा, दोनों का मतलब एक ही है। बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू 1, 2, 3, 4 एंड 10 तक जाएगा, फिर माइनस या
किया जाएगा 135 135 6 8 एंड 9 अब 1 3 1 3 5 भी कैंसिल 6 भी कैंसिल 8 9 10 ये सारे कैंसिल बी ऑब्लिक इज इक्वल टू बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 2 4 6 कैंसिल हो गया 5 भी कैंसिल हो गया 7 बच जाएगा 8 कैंसिल 9 कैंसिल और यहाँ पे 10 बच जाएगा ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए जरूरी है कि आपके पास एक तो जिस सेट का आपने कॉम्प्लीमेंट निकालना है वो सेट गिवन हो और उसके अलावा आपको यूनिवर्सल सेट लाजमी दिया जाएगा। यूनिवर्सल सेट लाजमी देंगे। हाँ अगर हमें इन दोनों को ए और बी को माइनस करना हो तो माइनस या सब्ट्रैक्शन का मेथड मैं आपको समझा चुका हूँ। उसको माइनस करके जो जैसे एलिमेंट्स होंगे कट जाएंगे और जो पहले सेट में बाकी बचने वाले एलिमेंट्स होंगे सिर्फ वो लिखे जाएंगे, दूसरे सेट के एलिमेंट्स नहीं लिखे जाएंगे। जबकि यूनिवर्सल सेट में चूंकि ये इसका सबसेट है, ए यू का सबसेट है तो ए के तमाम एलिमेंट्स कटेंगे, बी यू का सबसेट है बी यू का सबसेट है तो तमाम एलिमेंट्स कट जाएंगे। ठीक है बेटा, इसके लिए आप लोग जो क्वेश्चंस करेंगे, जो क्वेश्चन आपने करने हैं एक्सरसाइज जो कॉम्प्लीमेंट के लिए बुक में पेज नंबर है बेटा पेज नंबर 17 पर क्वेश्चन नंबर आप करेंगे 6, क्वेश्चन 6 है बड़ा सवाल है और क्वेश्चन नंबर 7 है। तो आप लोग का होमवर्क है बेटा पेज नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 8 9 और 10 क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 ये आपका होमवर्क है। 6 से लेकर 10 तक ये तमाम के तमाम तकरीबन इन टॉपिक्स पर और जो कल टॉपिक पढ़ाए गए हैं जूनियर और इंटरसेक्शन उन्हीं पर सारा बहस करते हैं। इसमें डिफरेंस के क्वेश्चन भी है, इसमें कॉम्प्लीमेंट के भी है, इसमें यूनियन के भी और इसमें इंटरसेक्शन के भी, ये तमाम चीजें इसमें आएंगी। कॉम्प्लीमेंट जब हम सॉल्व करते हैं कॉम्प्लीमेंट के लिए तो दो बातों का ध्यान रखें। अगर हमें ए कॉम्प्लीमेंट और ए दिया हुआ हो, एक सवाल मौजूद है इसमें, अगर हमें क्वेश्चन में ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए, देखिए इस ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड आउट करने के लिए जरूरी है कि आपके पास यू भी मौजूद हो और आपके पास ए भी मौजूद हो। अब अगर इन दोनों को हम आपस में यू मालूम करना हो, यू अगर मालूम करना हो तो ए, अगर आपको ए कॉम्प्लीमेंट दिया जाए और ए दिया जाए और यू मालूम करना हो तो इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन ए का और ए कॉम्प्लीमेंट का यूनियन दरअसल यूनिवर्सल सेट बनेगा। दोनों का यूनियन कर लेंगे और आप यूनिवर्सल सेट मालूम कर लेंगे। इसी तरह अगर हमें यू का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट मालूम करना हो तो यूनिवर्सल सेट माइनस यूनिवर्सल सेट दोनों माइनस हो गए तो यू कॉम्प्लीमेंट हमेशा आपको नल सेट मिलेगा। यू कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नल सेट। ठीक है, यहां तक कर ले बेटा, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे। और ये असाइनमेंट है, क्वेश्चन लाजमी करके आइएगा, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।